केंद्र सरकार ने राजस्थान को मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर चुना था। गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तावित चार सर्किट को इस साल के आखिर तक मंजूरी मिल जाएगी। कुल 738 करोड़ के इन सर्किट से राजस्थान पर्यटन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक धरोहरों, महलों, किलों को सहेजे राजस्थान पूरी दुनिया में पर्यटकों की पहली पसंद है और अब चार सर्किट के जरिए इसे नई दिशा दी जाएगी। जो चार प्रोजेक्ट हैं, उनमें रिलीजियस सर्किट 438 करोड़, मेगा डेजर्ट सर्किट 100 करोड़, ट्राइबल सर्किट 100 करोड़, इको टूरिज्म सर्किट 100 करोड़, मेवाड़ सर्किट प्रस्तावित, मारवाड़ सर्किट प्रस्तावित, हेरिटेज सर्किट 100 करोड़, स्पिरिचुअल सर्किट 95 करोड़, कृष्णा सर्किट 91 करोड़, सांभर टूरिज्म प्रोजेक्ट 64 करोड़, अजमेर पुष्कर प्रोजेक्ट 40 करोड़। राज्य से केंद्र को 3 साल पहले चार सर्किट्स के प्रस्ताव भेजे, जिन्हें केंद्र ने मंजूर कर लिया था। सबसे पहले स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांभर में सॉल्ट टूरिज्म का 64 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। इसके बाद अजमेर पुष्कर में 40 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रसाद योजना में मंजूर किया गया। इसके बाद 91 करोड़ का कृष्णा सर्किट और 95 करोड़ का स्पिरिचुअल सर्किट मंजूर हुआ और इसके बाद 100 करोड़ का हेरिटेज सर्किट मंजूर किया गया। ऐसे में आने वाले 2 वर्षों में राजस्थान पर्यटन का फ्लेवर कुछ और ही होगा और एक बार जो पर्यटक यहाँ आएगा वो बार बार आने को आतुर होगा। केंद्र से मिली राशि के बाद अब राज्य में 1178 करोड़ की लागत से तमाम सर्किट्स का विकास होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।